हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीफंगल ड्रग्स के बारे में। तो इन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को अगर हम सिंपल तरीके से ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करें तो फिर ये हमारे जीपैट, नाइपर, सेमिस्टर एग्जामिनेशन, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देख लेंगे इंट्रोडक्शन टू एंटीफंगल ड्रग्स। तो एंटीफंगल ड्रग्स हमारे वो ड्रग है जो सिस्टमिक या फिर डीप सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन हमारा एक डिजीज है जो कि फंगाई की वजह से कॉज होता है। इट इज मेनली कॉज एज माइकोसिस। दीज आर ऑफन क्रॉनिक इन नेचर। तो फंगल इन्फेक्शन हमारा क्यों होता है? तो फंगल इन्फेक्शन हमारे होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो अब्यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या फिर डिक्रीज इन द पेशेंट्स इम्यूनिटी। तो जो एंटीफंगल ड्रग्स हम यूज करने वाले हैं वो हम आगे कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहला हमारे कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक में सबसे पहला क्लास हमारे पास है पॉलिन एंटीबायोटिक। तो पॉलिन एंटीबायोटिक को याद करने का तरीका हमारे पास है एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टेटिन। तो इनको याद कर सकते हैं हम एक ट्रिक AMBNY से। तो AMB से हम एम्फोटेरिसिन बी याद करेंगे और NY से हम निस्टेटिन याद करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास हमारे पास है इकाइनोकैंडिन्स। इकाइनोकैंडिन्स को याद करने का तरीका है MAC, मैक। तो जो इको है वो मैक के प्रोडक्ट्स यूज करती है, तो ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो मैक से हमारे पास है मिकाफंजिन, एनिजोलाफंजिन एंड कैस्पोफंजिन। द नेक्स्ट हमारे पास है हेटरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, जिसका अंडर हमारे पास ड्रग है ग्रिसियोफुलबिन। तो हम इसको याद रख सकते हैं फ्यूरान से फुलबिन। तो फ्यूरान है, बेंजोफ्यूरान का जो फ्यूरान है उससे हम फुलबिन याद रख सकते हैं। फुलबिन मतलब ग्रिसियोफुलबिन। द नेक्स्ट हमारे पास एंटीफंगल ड्रग्स में है एंटी मेटाबोलाइट, जिसको हम याद रख सकते हैं मेटा इज अ साइटोफ्लू करके। मेटा इज अ साइटोफ्लू, मेटा में मेटा से हम एंटी मेटाबोलाइट याद रख सकते हैं और साइटोफ्लू से हम फ्लू साइटोसिन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एजोल डेरिवेटिव्स। एजोल में हमारे पास है इमिडाजोल, जो कि फर्दर दो क्लासेस में कैटेगराइज है, एक है टॉपिकल एंड दूसरा है सिस्टमिक। तो टॉपिकल में हमारे पास है क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल एंड ऑक्सिकोनाजोल। तो इसको याद करने का तरीका है इकोना मिकोना ऑक्सक्लोना। तो इकोना मिकोना से हम इकोनाजोल मिकोनाजोल याद रख सकते हैं और ऑक्सक्लोना से हम ऑक्सिकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट क्लास हमारे पास है सिस्टमिक इमिडाजोल। सिस्टमिक इमिडाजोल में हमारे पास ड्रग है कीटोकोनाजोल। तो इसको याद करने का तरीका यह है कि सिस्टमिक पीपल फॉलो कीटो डाइट। जो सिस्टमिक पीपल होते हैं, जो अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, तो वो मोस्टली कीटो डाइट फॉलो करते हैं। ऐसे स्टोरी बना के हमें इसको याद रखना है। सिस्टमिक के अंडर आता है हमारा कीटोकोनाजोल। नेक्स्ट हमारे पास एजोल डेरिवेटिव में है ट्रायाजोल। ट्रायाजोल में हमारे पास है फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल। तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि इट्स वेरी पोसा फ्लू, इट्स अ वेरी पोसा फ्लू। तो इट से हम इट्राकोनाजोल याद रख लेंगे, वेरी से हम वोरिकोनाजोल याद कर लेंगे, पोसा से हम पोसाकोनाजोल और फ्लू से हम फ्लुकोनाजोल याद रख लेंगे। द नेक्स्ट क्लास हमारे पास है अलाइलामिन। अलाइलामिन में हमारे पास है टर्बिनाफिन। तो इसको याद करने का तरीका है ALTE। तो AL से हमारे पास आता है अलाइलामिन और TE से आता है हमारे पास टर्बिनाफिन। द नेक्स्ट हमारे पास है एंटीफंगल ड्रग्स में टॉपिकल एजेंट। तो इसमें हमारे पास है टोलनाफिटेट, ऑंडेसाइलेनिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड सिस्लोपाइरोक्स, ओलामिन एंड ब्यूटेनाफिन। तो इसको याद करने का तरीका है बेन इज अंडर टोल बट सिस्लो इज नॉट। बेन इज अंडर द टोल इसको हम याद रखेंगे, बेन से हम बेंजोइक एसिड, अंडर से हम ऑंडेसाइलेनिक एसिड, टोल से हम टोलफेनाडेट और बट सिस्लो इज नॉट। तो बट से हम याद रखेंगे ब्यूटेनाफिन और सिस्लो से याद हम रखेंगे सिस्लोपाइरोक्स ओलामिन। तो दिस वॉज ऑल गाइज, होपफुली ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।